धर्म और आस्था का प्रतीक माने जाने वाले सांस्कृतिक महापर्व छठ के दौरान श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में चिरमिरी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में छठ घाट पर काफी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही फेस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गंगा आरती से लेकर शंकर पार्वती की इच्छा की भी शामिल रही। छठ को लेकर के तो हमारी बहुत ही बड़ी पारंपरिक मान्यता है। ये मतलब ये 3 दिनों का व्रतियों का त्यौहार होता है, इसका कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं कि इसे एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये मतलब जिसकी जो मनसा है हर वो अपनी मनसा को लेकर के ये करता है। और ये हमारा पारंपरिक त्यौहार नहाय खाय से शुरू होकर के खरना से होता हुआ सायंकाल सूर्य अर्घ से लेकर के आज प्रातःकाल सूर्य अर्घ को समाप्त होता है। सूर्य नारायण भगवान का पर्व है। सूर्य अग्नि और जल तीनों साक्षात देवता हैं। पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर ने किया था, और सूर्य से बड़ा कोई देवता नहीं। सूर्य अभी भी जो है साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं और तत्काल इसका किया हुआ फल प्राप्त होता है।